हाय बोधी, तुम्हारी फाइल? वैसे ये फाइल वहां तक कैसे पहुंच गई? इतनी दूर? एनीवे, तुम कैसे हो? मुझे बेहद अफसोस है कि डॉक्टर दालमिया ने तुम पर केस कर दिया और फिर मैं जरा जल्दी में हूं। कहां जा रहे हो बोधिसत्व, और कहां तक जाओगे? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, बहुत कुछ करना है तुम्हें अभी अपने लिए और मेरे लिए। आयुष, अरे मैं तुम्हें फोन कर रहा था। क्यों काव्या, कल जो तुमने कहा था बिल्कुल सही कहा था। मैंने क्या कहा था? नहीं, एक्चुअली तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सुन लिया। तुमने कहा था कि बहुत दिनों बाद सोनिया को इतना खुश देखा है और इसकी वजह आर्यन है, और मैंने सुन लिया कि सोनिया की खुशियां आर्यन के पास हैं। सच काव्या, आर्यन सोनिया को उसकी खुशियां लौटा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा, और आर्यन तुम्हारी हंसी भी लौटा रहा है। मैं सोनिया को हमेशा इसी तरह खुश देखना चाहता हूं। मैं भी। तुम जानती हो बचपन में आर्यन सोनिया को बहुत चाहता था। अच्छा? हाँ। उसके बाद वक्त बीत गया और वक्त के साथ साथ काफी कुछ बदल गया। तुमने आर्यन से इस बारे में बात की? नहीं। हो सकता है कि आर्यन अभी सोनिया को चाहता हो। काव्या, ये तो मैं भी जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो तुम? यही कि इतने साल तुमने क्या क्या किया, किस किस को मिली, किसको बास्केटबॉल में हराया, कौन सी पिक्चरें देखी और किस किस के साथ देखी। बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। फिर वही सवाल, कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये इंटरेस्ट से थोड़ी ना होता है, ये तो बस हो जाता है। जैसे कोई तारा आसमान से टूटना नहीं चाहता लेकिन टूट जाता है, वैसे ही प्यार भी हो जाता है। तुम्हें किसी से हुआ है कि नहीं? चुप का मतलब हाँ भी होता है। क्यों, क्या करोगे जान के? Come on यार, तुम्हारा दोस्त हूं। हाँ, लेकिन कल कभी वापस आता है क्या? नहीं है? अपना अपना नजरिया है, गुजरा हुआ कल कभी वापस तो नहीं आता, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहता है यहां पर, और यादों में जब भी आता है ठंडी हवा की तरह आता है। यू नो व्हाट, तुम कभी कभी समझदारी की बातें कर लेते। ओह, ये समझदारी की बात है? कमाल है, मेरे मुंह से कैसे निकल गई? शायद मेरा दिल अनकॉन्शियसली तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लिए जोर लगा रहा है। सीरियसली, तुम्हारे दिल में कौन है? आर्यन। क्या तुमने भी क्या कहा? क्या कहा? तुम्हारे दिल में आर्यन है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मिस्टर आर्यन, मेरा दिल कोई चिड़िया का घर नहीं जिसमें आप जैसे लोग रहे। तो फिर कौन है तुम्हारे दिल में? समय आने पर सब बताऊंगी। तुम जो कह रहे हो ये सही है आयुष, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। काव्या, ये नामुमकिन भी तो नहीं है। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन काव्या अगर तुम मेरे साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम मेरे साथ हो ना? हमेशा। तो ठीक है, आज से बल्कि अभी से प्लान नंबर 1 शुरू। आर्यन। अरे आयुष, आओ बैठो। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं,
टाइम टेबल बना रहा हूं बच्चों के लिए, एक्चुअली बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए, कि बच्चों के साथ कब कब क्या करना है। आयुष, अरे भाभी जी आप आइए बैठिए ना। मुझे पता था कि तुम यही होगे। दिस इज वेरी बैड भाभी जी, आप मेरे कैबिन में भी आई हैं, तो अपने हस्बैंड से मिल लें। आयुष आई एम सॉरी, लेकिन आज रात की मूवी का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन काव्या, वो जो 3 घंटे लाइन में लगकर मैं टिकट्स लाया हूं, उनका क्या? ब्लैक में बेच देना। वो क्या है ना, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है डॉक्टर दालमिया के साथ, और बाहर से भी कोई आ रहे हैं 4 बजे। अब मैं मीटिंग तो कैंसिल नहीं कर सकती ना। अरे सही तो है, अरे मीटिंग के बाद कहीं घूमने चले जाना। क्या सही कह रही है, इतनी मुश्किल से तो मैं टिकट्स लाया हूँ यार। तुम्हारे सामने तो बैठा है कस्टमर। हाँ तो ठीक है, लाना 250 रुपए। अरे मैं क्या करूंगा इनका। अरे अपनी गर्लफ्रेंड को कभी पिक्चर नहीं दिखाते तुम? अरे मेरे पास गर्लफ्रेंड कहाँ है, तो दोस्त होगी ना यार। मुझे पिक्चर देखने का शौक नहीं है। ऐसी भी क्या कंजूसी। अरे भाभी कंजूसी वाली बात नहीं है। फिर ठीक है ना, ला 250 रुपए। शुक्र मना, मैं ब्लैक में नहीं बेच रहा, वरना 500 में भी नहीं मिलती है टिकट। ओके ये अच्छी जबरदस्ती है। अच्छा, एक तो तुम्हें घर बैठे बैठे सबसे अच्छी पिक्चर की टिकट्स मिल रही है, इसे तुम जबरदस्ती कहते हो? वो तो मेरी मीटिंग है, वरना हम जरूर जाते। और नहीं तो क्या, चल देन, एंजॉय द फिल्म, सी यू। हाय। चलो अब तक तो सब कुछ ठीक हो गया। तुम्हें क्या लगता है, आर्यन सोनिया से पूछेगा? 100% पूछेगा, इस बात की तो मैं शर्त लगा सकता हूँ। अगर मैं ये शर्त लगाऊंगी भी तो इसे हारना चाहूंगी। बोधी, जल्दी में चले थे, अब यहां आके बैठे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सही रास्ता क्या है। वैसे सच ही कहा है किसी ने, किसी की भी भलाई करना सबसे मुश्किल काम होता है। आई बोलती, तुम यहां पर बैठे हो, मैं तुम्हें आकांक्षा में ढूंढ रहा हूं। आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, सब कहते तुम मैथ्स में बहुत पावरफुल, यू आर अ जीनियस। तो आप मेरा टेस्ट लेना चाहते? नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प लेना चाहता। एक्चुअली मैथ्स और मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, और खासकर ये हिसाब किताब की बातें तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। देखो ना, सब कहते हैं कि ये जो राइट साइड का टोटल है और ये लेफ्ट साइड का जो टोटल है वो टैली होना चाहिए। मैं 7 बार ट्राई कर चुका और हर बार फिगर्स अलग ही आ रही है। तुम करो। ग्रेट। पेन। You are a real genius. वैसे ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते थे। तुमसे दोस्ती भी तो करनी थी। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम वरदान क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते एज एन अकाउंटेंट। बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, बाकी यू फाइन। बट मैं तो वरदान में ही हूं, सोनिया का असिस्टेंट। यही तो फर्क है तुम दोनों भाइयों में। आयुष्मान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, उसकी एक खुद की आइडेंटिटी है। बुधी, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए? तुम में भी वो सब कुछ है जो आयुष्मान में,
दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, एक दिमाग, यू आर अ मैथमेटिकल जीनियस। तुम भी वो सब कुछ कर सकते हो जो आयुष्मान जायसवाल करता है, सब कुछ। क्या सही है क्या गलत है ये बताना मेरा फर्ज था। आगे तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें ही पता होगा। इट्स एंटायरली योर चॉइस। आई सी यू लेटर। मैं भी करना चाहता हूं जो सब कुछ आयुष कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं। आयुष, ये हुई ना बात। ऑल द बेस्ट। वो आर्यन, तुमने जो बच्चों के वार्ड के लिए लिस्ट बनाई है ना, मेरे हिसाब से ठीक है। तो तुम नहीं चलोगी? कहाँ नहीं चलूंगी, मूवी देखने। तुमने मुझे पूछा ही कब है? मैं जानता हूँ कि तुम मना करोगी। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, हर बार जब भी मैंने पूछा है तुमने मना किया है। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम कब क्या कहोगी। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारे साथ मूवी चलूंगी तो मेरे 300 रुपए का नुकसान हो जाएगा। वो कैसे? 125 रुपए की टिकट। हाँ? जो अगर तुम नहीं चली तो मैं 225 रुपए में ब्लैक में बेचूंगा, और 75 रुपए के स्नैक्स जो तुम मूवी देखते देखते खाओगी। अच्छा, तो समझो तुम्हारे 300 रुपए का नुकसान हो गया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मूवी चल रही हूँ। बाय द वे, कौन सी मूवी जा रहे हैं हम लोग? पता नहीं, मैंने टिकट में देखा नहीं। आयुष कह रहा था कि टिकट्स ब्लैक में बिक रही हैं। आयुष? हाँ, उसने तो ये दो टिकट्स मुझे दिए। वो और भाभी जी जाने वाले थे, लेकिन भाभी जी की कोई मीटिंग है डॉक्टर दालमिया के साथ, और बाहर से कोई डेलीगेट्स भी आए हैं। एक तो उसने मुझे 250 रुपए का चूना लगा दिया, अब तुम चूना लगा रही हो। ये बचपन की दोस्ती का तुम दोनों अच्छा बदला निकाल रहे हो, लेकिन अब ओखले में सर डाल ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। तो चले। हाँ चलो चलो। लो, बोधी भी आ गया। सोनिया, मैंने वरदान का अकाउंट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। वाओ, दैट्स ग्रेट। आर्यन, तुम्हें पता है बोधी मैथमेटिक्स में जीनियस है। रियली? अरे कंग्रेट्स यार। कंग्रेट्स बोधी, ये तुम्हारी पहली जॉब है और मुझे बेहद खुशी हो रही है। थैंक्स। एक्चुअली वो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूं। और मुझे? चलो। अभी? अभी तो हम लोग मूवी के लिए जा रहे हैं ना आर्यन। शाम को मिलते हैं। How's that? Okay, so see you then. Bye, बोधी। आर्यन 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 के साथ देना, आर्यन के साथ मूवी, मेरे साथ? मैं क्या यहां वेट करता रहूंगा? आर्यन का तो मैं नामो निशान मिटा दूंगा। इसको मिटा दो अब। कुछ नहीं बोधी, मैं सब कुछ जानता हूं। क्या जानते हो तुम? यही कि तुम सोनिया से प्यार करते हो। मंगेश, ये डेलीगेशन आया कहां से जो इतनी सारी मिठाइयां जा रही हैं? डेलीगेशन? कैसा डेलीगेशन? वही जो डॉक्टर दालमिया और डॉक्टर काव्या से मिलने आया है। डॉक्टर दालमिया वो तो घर गए। कोई डेलीगेशन वेलीगेशन नहीं आया है। किसी ने आपको अप्रैल फुल बनाया है। ये मिठाई तो मैटरनिटी वार्ड में बेड नंबर 12 को लड़की हुई ना, उसी की खुशी में है। आयुष कह रहा था कि टिकट्स ब्लैक में बिक रही हैं। आयुष? हाँ, उसने तो ये दो टिकट्स मुझे दिए।
क्यों? वो और भाभी जी जाने वाले थे, लेकिन भाभी जी की कोई मीटिंग है डॉक्टर दालमिया के साथ, और बाहर से कोई डेलीगेट्स भी आए हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। चले प्लान नंबर वन सक्सेसफुल। आई होप इन दोनों का कुछ ना कुछ अच्छा हो। थैंक यू। थैंक्स। मैंने तुम्हें मूवी दिखाकर गलती नहीं की। और मैंने ये फिल्म क्यों देखी जानते हो तुम? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था इसलिए? नहीं। तो इसलिए क्योंकि मेरे पास दो टिकट्स थी और अगर तुम नहीं आती तो एक बर्बाद हो जाती। ये मूवी मैंने आयुष के लिए देखी क्योंकि वो ऐसा चाहता था। तुम मेरा पास जानना चाहते थे ना? सुन, बस उसके बाद कहीं ना कहीं आयुष के मन में ये गिल्ट है कि मैं उसकी वजह से खुश नहीं, इसलिए तो वो ये सब कर रहा है। उसे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो खुश रहूंगी, इसलिए वो चाहता है कि हम दोनों और तुम क्या चाहती हो? और क्या कहती है तुम्हारी सोच? मुझे आयुष को इस गिल्ट से निकालना पड़ेगा। कैसे? वही करूंगी जो आयुष चाहता है। खुश रहूंगी, दिखाऊंगी उसे कि मैं बेहद खुश हूं। मतलब तुम ऐसा ही करोगी जैसा तुमने आज किया, मेरे साथ मूवी देखने चलोगी क्योंकि आयुष चाहता है, मेरे साथ खेल खेलोगी आयुष की खुशी के लिए? I'm sorry आर्यन, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो ना, क्या इतना भी फेवर मैं नहीं मांग सकती? आर्यन प्लीज कुछ ही दिनों के लिए मेरा साथ दोगे ना? और अगर आयुष को कुछ दिनों बाद सच का पता चला तो? नहीं पता चलेगा, मैं पता नहीं लगने दूंगी। बस एक बार आयुष को देख लूं कि वो अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, फिर यहां से चली जाऊंगी। तुम मेरा साथ दोगे ना आर्यन? दूंगा, इसी बहाने तुम्हारा साथ तो मिलेगा, चाहे कुछ ही दिन के लिए सही, लेकिन इस प्लान में तुम्हारे लिए खतरा है और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। कहीं प्यार का नाटक करते करते तुम सचमुच मुझसे प्यार करने लगी तो? होता है, मेरे साथ अक्सर होता है, लड़कियां ऐसी गलतियां कर देती हैं। अब क्या करूं, मैं हूं ऐसा वाइब्रेंट इंटेलिजेंट स्मार्ट। बस 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 डरो मत, मुझसे ये गलती नहीं होगी। ओके चलो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। लाला, मैं तो कब से चाहता हूं कि तुमसे ये गलती हो जाए, तुमने मुझे कभी सीरियसली लिया ही नहीं। क्या सोचने लगे? मैं तो ये सोचा था कि आज से मुझे भी सीरियस हो जाना चाहिए। अच्छा है सीरियस? हम्म। और तुम या? डोंट जोक।